प्लेसमेंट का एग्जम्पशन है वो सिर्फ रिटायरमेंट होने के वक्त ही मिलता है, या अगर मैं नौकरी करता हूँ और उसको जब मैं उसको इस्तीफा देता हूँ तो मेरे पुराने एम्प्लॉयर से जो मुझे रकम मिलती है उससे भी ये लीव एंकैशमेंट का एग्जम्पशन मिलता है सर। क्या लक्ष्मण जी आपको याद होगा हमारे जिस लास्ट प्रोग्राम मई के शुरू में मैंने ये बड़े जोर से शिकायत की थी और आपने और हमने ये आवाज उठाई थी कि ये नोटिफिकेशन जो है 3 लाख का एग्जम्पशन को बढ़ा के लीव एंकैशमेंट का जो 25 लाख करने में जो विलंब हो रहा था उसको जल्द से जल्द ये दुविधा जो है जो नोटिफिकेशन आ गया इसको दूर किया जाए। तो ये 25 लाख का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो गया है, दैट इज द फर्स्ट गुड न्यूज। अब इन्होंने जो एक सवाल खड़ा किया है वो बहुत ही रोचक है। एक्चुअली ऐसा ही सवाल कई सालों पहले, क्योंकि ये जो सेक्शन है 10-10AA लीव एंकैशमेंट के एग्जम्पशन की, उसमें वर्ड्स यूज्ड आर कि भाई लीव एंकैशमेंट आपको मिलता है ऑन सुपरएन्यूएशन और अदरवाइज। अब सुपर एन्यूएशन का मतलब तो हम समझते हैं रिटायरमेंट, पर अदरवाइज में मान लीजिए जैसे इन्होंने बताया कि किसी ने 10 साल की नौकरी की और वो जब वो अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हैं तो जो लीव एनकैशमेंट का पैसा उनको मिलता है उसका एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो 58 या 60 साल की अभी उम्र नहीं हुई है, ही इज गोइंग टू टेक अनदर जॉब और भी उनको लीव एनकैशमेंट फ्यूचर में मिलेगी। तो बंबई और मद्रास हाई कोर्ट के बहुत यूजफुल डिसीशंस हैं इनको हम बताएं, जहां ये कहा गया है कि लीव एनकैशमेंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड ओनली ऑन रिटायरमेंट बट इवन व्हेन यू आर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। इसमें खाली एक ही नियम आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे ये 25 लाख की लिमिट है, आज आप कहीं से रिजाइन होते हैं आपको 15 लाख मिलते हैं तो और जो नौकरी करेंगे उसमें आपका कोटा बच जाएगा केवल 10 लाख का, क्योंकि ये 25 लाख आपको पूरी जिंदगी में मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो द्रुमिल दवे जी के लिए अच्छी खबर है कि आप अगर रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ के भी करते हैं, लिव एनकैशमेंट मिलता है आपको, तो आप उस टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि मान लिया जाए अभी आपको 15 मिल रहा है तो आप बाकी दिनों में 10 का उठा सकते हैं, अगर अभी ही 25 मिल गया आपको तो फिर आगे के लिव एनकैशमेंट का फायदा नहीं उठा सकते। दर्शकों को एक लाइन बता दूं कि आखिर मामला क्या था, कि दरअसल जब भी जो छुट्टियां आपकी बची रह जाती हैं और जब आप रिटायर करते हैं नौकरी छोड़ते हैं तो उन छुट्टियों को एनकैश करते हैं, यानी उन छुट्टियों के एवज में कंपनी आपको सैलरी दे पैसे देती है। अब पहले नियम यह था कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो किसी भी सीमा तक आप उस पैसे पर आपको टैक्स छूट मिलती थी। अब यह है निजी कर्मचारी के लिए सीमा सिर्फ 3 लाख थी। सरकार ने ऐलान किया था कि निजी कर्मचारी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए 3 लाख से बढ़ाकर सीमा को 25 लाख किया जाता है, यानी 25 लाख तक के लीव एनकैशमेंट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 अप्रैल से इसे माना जाएगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर अब तक आपने कहीं लीव एनकैशमेंट कर लिया है तब भी आप इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। And don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.